Good morning, everybody. नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं डॉक्टर निर्मला शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा चैनल। यदि आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज के साथ मिलकर अधिक से अधिक लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट्स करें और बेल आइकॉन को भी प्रेस करें। दर्शकों, आज मैं आपको बिना सिलाई के मिनटों में बैग तैयार करना बताने जा रही हूँ। तो आइए चलते हैं आज के एपिसोड की ओर। ये देख लीजिए, ये मैंने बिल्कुल बिना सिलाई के इस बैग को तैयार किया है। ये चादर से बना है, चादर के किनारे जो मुड़ा रहता है ये वह हिस्सा है ऊपर का, और ये मैंने कट करके इसको सिर्फ बांधा है, कट किया है और कट करके यहाँ के नीचे को कट 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 कर करके सिर्फ बांध दिया है। मिनटों में तैयार हो गया है मेरा बैग। और इसमें फिर मैंने ऐसे नॉट हैंडल के लिए रस्सी डाल दिया, इसको सॉटन रिबन से खुद बनाकर फ्लावर बनाकर इसमें टांग दिया और इसमें अपना पुराना इयररिंग लगा दिया। तो ये कितना सुंदर बैग बन गया। मेरे बेटे को थोड़ा बहुत कहीं कुछ सामान लेके जाना होता है तो ये वो बड़े चाव से लेके जाता है। ऐसे ही ये मैं पुराने टी शर्ट से बनाया, ये मैंने चादर से, पुराने चादर से बनाया, ये मैंने पुराने बेटे के मेरे पुराने टी शर्ट से बनाया है। देख लीजिए, ये बेटे के पुराने टी शर्ट से बनाया है और इसमें ये देखिए, और इसमें मेरे बेटे का ड्राइंग का सामान रखा है। उसको ड्राइंग में वो फर्स्ट आया था तो ये सब उसको प्राइज मिला है। ये उसका सामान मैंने रख दिया है इसमें। तो ऐसे छोटे छोटे अपन बहुत ही आसानी से बैग बना सकते हैं। मैं पहले आपको दिखा देती हूँ ये सारे बैग, उसके बाद में इसको बनाने का मैं की विधि भी बताऊंगी। और ये मैंने टिशू साड़ी थी मेरे पास टिशू की, तो उससे मैंने देखिए कितने सारे बैग बनाए हैं। एक, दो, ये दो बैग, और ये तीन बैग, ये चार, ये पांच, और एक छोटा सा इसी का है, छोटा सा बैग और बना हुआ है इसका। ये सारे मैंने एक ही साड़ी से बनाए हैं, ये छोटा सा बैग छोटा सा बनाया। इसके लिए तो मैंने कुछ भी नहीं किया, नीचे को नॉट लगा दिया, इधर को थोड़ा हल्का इसको सिलाई किया है मैंने, इसको जल्दी बड़े बड़े टाके मार के सिलाई करके। इसमें क्या करते हैं, जैसे अपन बॉटल धोते हैं ना तो ढक्कन तुरंत नहीं लगा सकते, तो ये सारे ढक्कन इसमें ऐसे लगा के इसमें छोटा सा मैंने छेद कर दिया है। ये देखिए, कैंची से मैंने छेद कर दिया है और इसको मल्टी हुक वाला जो हैंगर आता है उसमें सारे बैग में लटका के जमा के रखती हूँ किचन में। ये बैग देखिए, इसमें मैं क्या क्या सामान रखती हूँ, जैसे कि ये बैग है, ट्रांसपेरेंट है, मुझे बाहर से ही दिख जाता है। एक्स्ट्रा जो टिफिन वगैरह जमा होता है धो के रखने पर, खाली होने पर, तो ये उसमें मैं डाल देती हूँ। देखिए छोटे छोटे टिफिन, ये सब डब्बे, ये सब मैं इसमें खाली हो जाता है तो मैं इसमें डालकर रख देती हूँ। तो मुझे बहुत आसानी से सब सामान मिल जाते हैं। और बहुत ज़्यादा कितना रैक में जमाओगे, सामान बहुत ज़्यादा हो जाता है तो कितना रैक में जमाओगे। ये इसमें छेद कर दिया है मैंने, ये ट्रांसपेरेंट है तो बाहर से ही दिखता है, और इसको मल्टी हुक वाले हैंगर में मैं लटका के रख देती हूँ। ये जो बैग हैं इनमें मैं अलग अलग प्रकार के साइज के कैरी बैग रखती हूँ। ये अलग अलग, मुझे बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है इसलिए मुझे, मैं कैरी बैग्स बहुत संभाल के रखती हूँ जो मुझे काम आता है। अलग अलग साइज के कैरी बैग को रखने के लिए मैं अलग अलग प्रकार के साइज के बैग रखी हूँ, ताकि मुझे बहुत आसानी से मिल जाए जिस साइज का मैं कैरी बैग चाहूँ, वो मुझे बहुत आसानी से एक ही बैग में मिल जाए। मुझे काम को स्मार्ट ढंग से करना पसंद है। ये अलग अलग साइज के कैरी बैग हैं, ये देखिए, ये पोस्टर पॉइंट का, कोरबा के पोस्टर पॉइंट का कैरी बैग है। कोरबा प्रेस जगत के लोगों के लिए ये एकमात्र अपनी निजी दुकान, यहाँ से हम लोग सारा सामान खरीदते हैं। पूरे प्रेस परिवार के लोग, कोरबा के प्रेस परिवार के लोग अपना कैमरा, मोबाइल, वीडियो कैमरा की शूटिंग के जो जितने भी मेरे सामान हैं सारे मैंने पोस्टर पॉइंट से लिए हैं। ये इस तरह से, ये मेरा मेकअप किट है,
मैं मुझे बहुत ज्यादा सफर करना पड़ता है, और यदि मैं बड़ा बैग रखती हूँ, मतलब वो रखती हूँ डब्बा रखती हूँ, तो वो बहुत जगह घेर लेता है, लेकिन ये बहुत सामान के साथ आराम से ये एडजस्ट हो जाता है इसमें अपन रखते हैं। तो ये भी मैंने ट्रांसपेरेंट साड़ी से ही बनाया है, ये इसमें आईना, सिंदूर, पाउडर, ये सारा कुछ रखा हुआ है इसमें। देखिए और बैग है ऐसे, इसमें अलग से ये रिंग वगैरह आप रख सकते हैं। इसमें देखिए मैं इसमें मेडिसिन रखती हूँ, हमेशा मुझे सफ़र करना पड़ता है, मेरे बैग एकदम तैयार रहते हैं। इसमें मेडिसिन है, और ये इनो, ये दवाइयाँ हैं, और इसमें ठंडा तेल का पाउच भी है। ये इस तरीके से मैं हमेशा बैग तैयार करके, मेरा लगेज बैग हमेशा तैयार रहता है, कभी भी मुझे जाना हो तो मैं आराम से जा सकूं। ये देखिए ये कितना इजी। तो इसमें क्या है, मुझे सामान लगेज मेरा बढ़ता नहीं। हाँ, बहुत खास कहीं जाना है, किसी फंक्शन में जाना है, बहुत मतलब मेकअप का सामान रखना है, तो फिर सुरक्षित रखना है। कांच के सामान यदि रखना, कांच की चूड़ियाँ वगैरह रखना है, जनरली मैं कांच की चूड़ियाँ सफ़र में तो ले जाती ही नहीं, रखना है तो फिर आपको फिर डब्बा ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। अच्छा, अब चलिए हम बताते हैं आपको, ये सब बैग्स मैंने बता दिए, इस बैग को बताने का तरीका मैं लास्ट में बताऊंगी। उस देखिए मैं कप को रखती हूँ, तो कप मतलब ज़्यादा जगह मत घेरे, कितने हैंगर में आप लटकाएंगे, मतलब बर्तन का जो हुक रहता है वो पूरा भर जाता है। तो इसको मैं एक साथ यहाँ पे बीच कट कर दिया, और एक साथ देखिए इसमें तीन कप आराम से आ जाता है। इसको कैसे बनाना है ये भी मैं बताऊंगी। ये है मेरा एक और मल्टी पर्पस है, ये कंटेनर है, ये बॉटल है, बॉटल को आधा कट कर दिया है, इसमें एक छेद कर दिया है ताकि इसको मैं हुक से लटका देती हूँ दीवार में, और इसमें डिस्पोजल ग्लास को पूरा मैंने वो कर दिया है, स्टेपलर मार्कर लगा दिया है। इसमें पूरा सामान किचन का, वो काफ़ी सामान आ जाता है। ये मसाले के पैकेट्स हैं ये, और ये मेरा कॉफ़ी पाउच है, सारे कॉफ़ी पाउच हैं ये। मैं डिब्बा इसलिए नहीं खरीदती कि थोड़े दिन के बाद वो जम जाता है। ये इनो इनो पाउडर, जलजीरा, इसमें कलौंजी मंगरेल जिसको बोलते हैं वो, इसमें लहसुन, तो ये सब एक ही साथ अपन बहुत आसानी से बना के इसको अपन रख सकते हैं। इसे काम करने में बहुत सुविधा होती है। इसको बनाना है, यदि आपको ऐसा कप रखने का कंटेनर बनाना है तो आप यहाँ से इसको कट कर दीजिए, यहाँ से कट करके बीच से ऐसे कट कर दीजिए, बीच के हिस्से को ऐसे कट करके उसको निकाल दीजिए, फिर यहीं पे कप के हैंडल को इस तरीके से ऐसे कप के हैंडल को यहीं पे ऐसे घुसा के आप रख सकते हैं। तो मेरा मैंने छोटा बनाया है तीन कप का, आप इसमें बड़ा यदि आप बनाते हैं तो पांच कप एक साथ इसमें आ जाएगा। अब आपको मैं बहुत आसानी से कम समय में कैसे आप बना सकते हैं बैग बिना सिलाई के, वो मैं बताने जा रही हूँ आपको आज। आज मेरा ये एपिसोड जो लोग देख रहे होंगे ना, जो लोग बाहर मुझे फील्ड में काम करते देखते हैं, तेजी से ड्राइविंग करते हुए, स्टेज संचालन करते हुए, फील्ड में अपना काम को अंजाम देखते हुए, वो लोग बड़ा आश्चर्य, वो बहुत ही आश्चर्यचकित हो जाएंगे। कई लोगों का कहना है मैम कुछ तो छोड़ दीजिए, आज वो देखेंगे इसके। आज ही मैंने एक वीडियो शूट किया है, उसमें मैंने किचन का टिप्स डाला है, और आज मैं ये डालने जा रही हूँ, बैग बताने जा रही हूँ, वो सोचेंगे कि मैम क्या क्या करती हैं, कुछ तो छोड़ दीजिए। पर मैं सोचती हूँ कि जिंदगी एक ही बार तो मिला है साबित करने के लिए, कैसे छोड़ दें। मैं गॉसिप का हिस्सा नहीं बनती दर्शकों, मैं देखती हूँ अक्सर हम देखते हैं कि हम गॉसिप करते हैं, थोड़ी देर के बाद हालचाल पूछने के थोड़ी देर के बाद अक्सर हम किसी न किसी की बुराई में लग जाते हैं। अक्सर ये होता है, किसी का किसी के चर्चा निकलती है, फिर उसका जो नेगेटिव पॉइंट है वो सब चालू हो जाता है, जुबान में आई जाती है। इस वाणी से जिससे मेरा जीवन चल रहा है, जो मैं भगवत भजन में लगाना चाह रही हूँ, इस वाणी को मैं क्यों कलुषित करूँ। इसीलिए मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं गॉसिप से बची रहूँ। मेरा बचपन से ये समय, ये जो जितना भी मैं काम कर पाती हूँ, बहुत सारे फील्ड में मैं काम इसलिए कर पाती हूँ कि मैं टाइम मैनेजमेंट से काम करती हूँ। मैं हर काम को मैं हार्ड वर्क को स्मार्ट वर्क में चेंज करके मैं काम करती हूँ, इसलिए मैं बहुत इतना सारा काम कर
पाती हूँ। मुझे याद है मैं अर्ली मॉर्निंग 5:30 बजे तक यदि मैं नहा नहीं पाई और 5:35 हो गया तो मैं छोटी थी तो मैं रोना शुरू कर देती थी कि आज आप लोगों ने मुझे, यदि मेरी खुद की नींद नहीं खुली तो आप लोगों ने मेरे को क्यों नहीं उठाया, 5:30 हो गया मैं नहा नहीं पाई। ये मेरी बचपन की ही, मतलब ये डेली रूटीन मेरा ऐसा था, वो जो टाइम मैनेजमेंट के साथ मैं जीवन में बचपन से चली हूँ उसी टाइम मैनेजमेंट के साथ मैं आज भी चल रही हूँ, इसलिए मैं कम समय में बहुत सारे काम को अंजाम दे पाती हूँ। एक अंकल थे जो अब नहीं रहे, वो मुझे देखकर कहते थे निर्मला का काम देखकर टाइम मिला लो। जी हाँ, मैं बहुत ही टाइम मैनेजमेंट के साथ, डिसिप्लिन के साथ काम कर, डिसिप्लिन वर्क करती हूँ। मुझे पंक्चुअलिटी और डिसिप्लिन से काम करना ही पसंद है, आलस्य और अव्यवस्था मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। आपको एक बात बता दूँ, मेरी डायरी का वाक्य है, आपको भी बता देती हूँ कि काम की अधिकता नहीं, काम की अव्यवस्था इंसान को थका डालती है। तो चलिए मैं आज आपको बताने जा रही हूँ ये बैग बहुत आसानी से कैसे बना सकते हैं। मान लीजिए ये टी शर्ट है, ये मैंने टी शर्ट से बनाया ना, तो मैं आपको बता रही हूँ कि मान लीजिए ये टी शर्ट है और इससे आप बैग बनाना चाहते हैं, तो टी शर्ट के इस हिस्से को जो जो बाँह है, बाँह यहाँ जहाँ से बाँह जुड़ा हुआ है वहाँ से यहाँ तक को आप ऐसे कट कर दीजिए। कट करने के बाद में इसको पलट दीजिए, ऐसे नीचे कर दीजिए, उस हिस्से को नीचे कर दीजिए और उसमें पूरे कट लगा दीजिए। बताऊंगी कैसे कट लगाना है, उसमें पूरे कट लगा दीजिए ये, और ऊपर का जो हिस्सा होता है ये डबल होता है, डबल फोल्ड होता है, तो इसके दोनों सिरे को भी कट कर दीजिए। इसके यहाँ, यहाँ से कट करके इसको अलग कर दीजिए, यहाँ से कट करके इतना हिस्सा अलग कर दीजिए, तो ये दो हो जाएगा। मैं आपको बता रही हूँ, आपको ऐसे समझ में नहीं आ पा रहा होगा मैंने क्या कहा। यहाँ से आप कट करके अलग कर दीजिए, बाँह जहाँ से जुड़ा है वहाँ से कट करके उसको अलग कर दीजिए, बचा आपका इतना, ये ऊपर का हिस्सा बच जाएगा, ऊपर का हिस्सा। उसको नॉट कैसे लगाना है मैं बताती हूँ। यदि आपको कोई बॉटल का वो बनाना है, कवर बनाना है, तो देखिए ये एक मेरे मेरे कुर्ता का आस्तीन है, उसके मैं उसको मैंने काट के निकाला है, मैं इससे आपको बता लेती हूँ, मैं आसानी से जो आपको मैं बता सकूंगी और ये कम समय में मैं जल्दी से आपको समझा पाऊंगी, इसलिए मैंने इस इजी वर्क को लिया है। ये कुर्ते का बाँह है, इसमें देखिए मैंने इस तरीके से कट लगा दिया है, ये देखिए ऐसे मैंने कट लगा दिए एक साथ डबल डबल, ऐसे मैं दिखा देती हूँ आपको कैसे कट मारना है। आपको ये ऐसे कट मारते चले जाएंगे अपन थोड़ी थोड़ी दूर के अंतराल में, ऐसे कट मार देंगे। डबल लेके इसको कट मारना चाहिए, देखिए जब मार देती हूँ पहले मैं, ये ऐसे इसको कट मारते जाइए, इतना ऐसे कट मारते जा रहे हैं, बस थोड़ा थोड़ा दूर के अंतराल में आप कट मार दीजिए ऐसे। ये ऐसे कट मारने के बाद आपको इसको उल्टा कर देना है, इसको उल्टा कर दीजिए, और उल्टा करने के बाद समझ लीजिए कि ये टी शर्ट का वो हिस्सा है, कौन सा हिस्सा है बता देती हूँ आपको मैं, ये टी शर्ट का ये ऊपर वाला फोल्ड वाला हिस्सा, ये ऊपर आगे समझिए, ये ऊपर वाला हिस्सा है समझ लीजिए, और यहाँ पे अपन कट करके अलग कर दिए हैं, इसको कट करके अलग कर दिए हैं, तो यहाँ से मुंह खुल गया दोनों तरफ से, इधर से भी इसका मुंह खुल गया, इधर से भी इसका मुंह खुल गया। अब इसमें यहाँ से, मतलब ये एक फ्रंट साइड हो गया टी शर्ट का फ्रंट साइड और एक टी शर्ट का बैक साइड, तो एक रस्सी लेंगे, मान लीजिए एक रस्सी मैं किसी में शॉर्टन रिबन लगाई हूँ, मैं किसी में मैंने रस्सी लगा दिया है, तो एक शॉर्टन रिबन भी रखा था जी, ये शॉर्टन रिबन मान लो मेरे को लगाना है, तो एक देखिए मैं ऐसा करने के बाद इसमें आपको बता रही हूँ क्या करना है आपको, ये इसमें मान लो अपन को नॉट लगाना है, ये बेग है समझ, अपन मान लेते हैं कि इसका अपन को बेग बनाना है, इसमें नॉट लगाना है, तो यहाँ से अंदर से इसको डाल देंगे, अंदर से ऐसे इसको डाल दिए, डालने के बाद इसका जो एक सिरा है उसको यहाँ जब नॉट लगाएंगे ना, तो इसी के साथ नॉट लगा देंगे,
ये इसके साथ यहाँ पे इसको नॉट लगा दिए। ये जो दो अपन कट करे थे ना, कट करे थे उसी के साथ इसको नॉट लगा दिए, तो ये यहाँ पे बंद जाएगा। ये देखिए ऐसे ये नॉट लगा दिए, अब इसको डबल बांध दिए, ये डबल बांध दिए। एक हिस्सा इसका बन गया। अब ये जो दूसरा उसका यहाँ तक लाए, और ये जो टी शर्ट का समझो ये बैक साइड है और ये फ्रंट साइड है, तो इसके दूसरे यहां से घुसाएंगे और फ्रंट साइड वाले में घुसा के यहां तक, फ्रंट साइड के यहां तक निकालेंगे, यहां पे कटर रहेगा, यहां से निकाल के फिर उसको उसी उसी के दूसरे सिरे को लाके यहां पे नॉट लगा देंगे। फिर यहां से एक दूसरा रस्सी का छोर को बांधेंगे और यहां से लेते हुए उसको लाके इधर से इसके टी शर्ट के बैक साइड से लेके फिर उसको लेके फिर यहाँ पे बांध देंगे। माने एक यहां से जाके यहाँ आएगा, फिर एक यहां से जाके पीछे से होते हुए यहाँ आएगा। ये फिर से देख लीजिए, एक यहां से अपन रस्सी चालू किए और उसको डाल के फ्रंट साइड से निकालते हुए यहाँ बांध देंगे, एक रस्सी यहां से चालू किए और उसको बैक साइड से निकालते हुए यहाँ बांध देंगे, तो ये आपका तैयार हो जाएगा। उसके बाद में इसको पलट देंगे, तो ये आपका बैग तैयार हो जाएगा। बैग को बिना सिलाई के कैसे करें, बस इसको नॉट लगाते जाइए। ये जो है ना मैंने कट किया है, इसको बस नॉट लगाते जाइए, फटाफट नॉट लग जाएगा और आपका बैग तैयार हो जाएगा। देखिए ऐसे नॉट लगाते जाइए, बस ऐसे नॉट लगाते जाइए, बस ये देखिए ऐसे नॉट लगाते जाइए, तो ये आपका बैग तैयार हो जाएगा। डबल नॉट लगाते जाइए, डबल नॉट फटाफट ये ऐसे करके नॉट लगाते चले जाएंगे आप यहाँ पे, तो ये आपका बैग तैयार हो जाएगा। देख लीजिए मिनटों में आपका बैग तैयार हो गया, कितना स्मार्ट वर्क। और ऐसे कितने भी घर में बैग रहे, बैग की कमी पड़ी रहती है, तो आप ऐसे वेस्ट जो आपके कपड़े हैं उससे आप सुंदर आकर्षक ऐसे बैग बना सकते हैं। और फिर उसके बाद में बन जाने के बाद इसको पलट दीजिए, एक रस्सी यहाँ पे लगाया, एक रस्सी इस साइड भी लगाना है, तो उसको भी इसी के साथ नॉट बांध देंगे, इन्हीं के साथ में नॉट कर लेंगे, तो ये इस तरीके से बन जाएगा। मैं आपको दिखाती हूँ, ये मेरे को ना बंधा हुआ हिस्सा, इसको आपको पलट देना है तो बंधा हुआ हिस्सा अंदर चला जाएगा, परंतु मुझे बंधा हुआ हिस्सा का डिजाइन बड़ा प्यारा लगता है, इसलिए मैंने इसको उल्टे साइड से ही बांधा है। देखिए ये अच्छा सुंदर दिखता है ये, इसलिए मैंने इसको उल्टे साइड से ही बांधा है। इसमें तो मैंने नॉट वॉट नहीं लगाया, इसमें तो सिर्फ ये बढ़िया ट्रांसपेरेंट है और मुझे इसमें नॉट नहीं लगाना है, इसको तो सिर्फ किचन में लटका के रखना है, तो ऐसे में इसमें छेद करके इसको किचन में, इसमें मैंने कट कर दिया है, कट करके इसको मैं किचन में मल्टी हैंगर मल्टी हुक वाले हैंगर में लटका के रख देती हूँ। तो इस तरीके से देख लीजिए मिनटों में अपन किस तरह बैग तैयार कर सकते हैं। तो इसी प्रकार के टिप्स के लिए बने रहे मेरे चैनल के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम। हेलो एवरीवन, हियर इज अ फ्री सब्सक्राइब एंड बेल नोटिफिकेशन एनिमेशन।